राजधानी लखनऊ के निगोहा क्षेत्र अंतर्गत हिंदवार गांव में आंगनबाड़ी केंद्र से बच्चे को पिटाई कर खदेड़ने और देखभाल न करने का आरोप लगाते गांव के ही एक व्यक्ति ने सहायिका पर आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत की। आरोप यह भी है कि जब परिवारी जन शिकायत लेकर सहायिका के पास गए तो वह झगड़ा करने लगी। राती की मजा अहिंबार गांव निवासी राम कुमार ने बताया कि गांव के ही आंगनबाड़ी केंद्र में उनका नाती मंडीप साध्य 3 वर्ष पढ़ने जाता है, जहां शुक्रवार को वह करीब 10 बजे पढ़ने गया, तभी आंगनबाड़ी सहायिका ने उसे केंद्र से भगा दिया, जिसके बाद वह गांव भर में भटकते हुए करीब 2:30 बजे रोते हुए घर पहुँचा। पूछने पर आप बीती बताया जब उसकी शिकायत लेकर केंद्र पहुँचा तो सहायिका उल्टा उन लोगों को ही धमकाने लगी और कहा जो करना हो कर लो। वहीं पीड़ित द्वारा शिकायती पत्र पर सहायिका और केंद्र के अन्य कर्मचारी पर ये भी आरोप लगाया गया कि इस केंद्र से कभी भी कोई सहायिका बच्चों को घर लेने और छोड़ने नहीं जाती है, ऐसे में रास्ते में बच्चों के साधन होने का खतरा रहता है। क्या आपका? राम कुमार नाम। किस गांव के रहने वाले? मजरा ग्राम राती मजरा अहिंवार। अहिंवार, क्या मामला है? मामला है, मेरा नाती मनदीप स्कूल पढ़ने जाता है। कौन सा स्कूल? आंगनबाड़ी लखनऊ प्राइमरी स्कूल। कहाँ पे है ये? अहिंवार गाँव निगोहा मंदिर के पास पे। तो क्या हुआ बताया? ये मेरा नाती गया था पढ़ने, स्कूल जाता है, वहाँ की सहायिका लोग ना तो बुलाने आती हैं बच्चों को, ना तो लेने जाती हैं। उसके बाद बच्चे वहाँ किताब कर लगी या उनको लेटिन लगी तो गेट के बाहर हाथ पकड़ करके डांट के भगा देती, भग जाइए यहाँ। उसके बाद कौन करता है ये? ये सहायिका करती है। सहायिका को हमने बोला कि बच्चों के साथ ऐसा क्यों करती हो, तो वो बोली कि हम करते हैं, आपको जहाँ जाना हो वहाँ जाइए, मेरा मूड मत खराब करिए, हाँ जहाँ आपको शिकायत करना है वहाँ करिए। बात करने पे ऐसी बात करती हैं और डांट करके मुझे भी भगा दिया वहाँ। तो आपने